स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 डिग्री विद हिस्टोरियन नितिन सैनी। मैं एक इतिहास का अत्यंत जागरूक अभ्यर्थी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आज तो हम इसकी रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने इसे अच्छे से पढ़ लिया। मेरे बच्चों, ये पहले हम राइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप राइटर्स के बारे में बच्चों, ये बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है सब दोनों ही, डॉक्टर रवि फगड़िया और लीलाधर थोरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यार, काफ़ी मैं पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और ये सर के मार्गदर्शन में जिन्होंने जॉब प्राप्त की है राजस्थान में, और ये ठीक है, ये RBT पब्लिकेशन जयपुर नई दिल्ली। ठीक है, काफ़ी देखो 2004 से सर हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़े हुए हैं। इस टाइम काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। अब बात करते हैं बुक के। ठीक है, देख सकते हैं आप इनकी सर के किए हैं बच्चों, डाउनलोड कर सकते हैं आप ये। ठीक है, इस टाइम सर जो जिस पोस्ट पर हैं दोनों, इतिहास ये विश्व इतिहास एक रूपरेखा आउटलाइन वाली बुक है। ये मेरे को 150 रुपये में मिली है बच्चों। ये सर का जिन्होंने कलीग ने सबने साथ दिया है। पुस्तक इतिहास विश्व प्रवेश, ये हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है बच्चों। हिस्टोग्राफी एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा मतलब हिस्टोग्राफी पढ़ने से हमारी समझ बढ़ जाती है इतिहास को लिखने की, इतिहास को देखने का नजर हमारा सबका बदल जाता है। ये इसकी इंडेक्स आ गई बच्चों, देख सकते हैं आप, ये मिस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये जो मेनली 4-5 ऊपर के टॉपिक हैं पूरा जागरण से पहले के, ये सब आते हैं राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो ये मेनली राजस्थान के पर्सपेक्टिव से लिखी गई बच्चों बुक। 151 पेज नंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टॉपिक्स की। देख सकते हैं आप ये टॉपिक बच्चों। ठीक है, बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है, फैक्ट्स की बहुत भरमार है इसके अंदर। ठीक है, फैक्ट्स काफ़ी अच्छे से इसमें संकलित किए गए हैं और काफ़ी अच्छे से उन्हें हर जगह प्रॉपर जहाँ जिस फैक्ट्स की ज़रूरत है बहुत अच्छे से दिया है बच्चों। बहुत ही अच्छी किताब है इस मामले में। कुछ टॉपिक और देख लेते हैं इसके। मेरे हिसाब से देखो, आपका मेनली इतना वर्ल्ड हिस्ट्री इतना मैटर नहीं करता, मेनली आपको इंडियन हिस्ट्री आती है, तो मतलब कि 10 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी, इतना मैटर नहीं करती। लेकिन जैसे कि आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं JNU, DU, इन सब के, तो उनमें काफ़ी मैटर करती है। BHU में तो बहुत सारी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना रोल नहीं रहता एग्ज़ाम में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपका एग्ज़ाम इस टाइप का, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी अच्छा पोर्शन है, तो आप ज़रूर वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपरेशन प्रिपेयर करें बच्चों। क्योंकि भले ही इसमें से 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको और उसे आगे निकाल सकते हैं, जो आपका और कॉम्पिटिटर है उनसे आपकी अलग पहचान बन जाएगी। तो बुक बहुत अच्छी है, प्राइस भी, और पेपर क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को अलग लगी, फ़ोन साइज़ भी काफ़ी अच्छा है बुक का। कुछ और टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं। रोम की सभ्यता बच्चों, जो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पुनर्जागरण। ये मेनली बुक यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, इसलिए आप जो राजस्थान से अदर्स स्टेट के हैं आप यहाँ से देख सकते हैं बुक को बच्चों। तो मेनली आप यहां से जज करें, आपको परचेज करनी, बहुत सारी मेरी मैंने कम से कम 8-9 बुक का रिव्यू एक साथ किया था। टॉप मोस्ट बुक्स हैं मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, मैंने उन सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं आप जाकर मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको बुक्स लेनी है बहुत अच्छी अच्छी बुक्स का मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का किया है। ठीक है, आप मेरी वीडियो इतना लाइक शेयर कमेंट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहता है। आप ध्यान रखें, आप फ्रांसी क्रांति बहुत ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में बच्चों। ठीक है, बस बुक काफ़ी अच्छी है, आप अपने आप भी जज कर सकते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ के पॉज करके पढ़ें। ठीक है ना,
आप मेरी वीडियो तक लाइक शेयर कमेंट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई डाउट्स रहता है किसी बुक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।